हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एसएस मार्केट न्यूज में। कल ये दो दिग्गज बैंक आपको रॉकेट बनते हुए नजर आ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, भयंकर धमाका करने की तैयारी में है दोनों बैंक, और आज भी गजब की रिकवरी इन्होंने दिखाई है और मार्केट माइनस में, बैंक शेयर माइनस में होती हुई भी इन्होंने प्लस में गजब के रिटर्न के साथ क्लोजिंग दी है। जी हाँ दोस्तों, कल तैयार हो जाइए, मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों इंडसइंड बैंक और एक्सिस बैंक की। दोबारा से उन्हीं दोनों बैंकों की बात कर रहा हूँ जो पिछली बार भी आपको मैंने बताया था, और गजब का जो बताते ही दूसरे दिन गजब का रिटर्न दोनों बैंकों ने आपको निकाल के दिया था गजब की रैली के साथ। फिर से दोस्तों उसी प्रकार मैं फिर से आज ये गजब के ब्रेकआउट के साथ यहाँ पे ये वीडियो बना रहा हूँ मैं कि ये गजब का ब्रेकआउट कल हो जाता है। ध्यान देंगे, अगर ब्रेकआउट होता है तो ही ये कॉल लागू होगी, अगर ब्रेकआउट नहीं होता है तो कॉल रिजेक्टेड मानी जाएगी। इस चीज़ को आप नोटेड जरूर कर लेवे और अपनी एनालिसिस दोस्तों खुद कर लेवे। तो उसको बताने से पहले आज मैं आपको बता दूं कि आज मार्केट में अमेजिंग प्रॉफिट आपको देखने को मिला है। 10 दिनों का प्रॉफिट दोस्तों आपको एक ही दिन में करा दिया गया है, और क्या प्रॉफिट हो आज का, सबका क्या प्रॉफिट आज निकल के आया है आप यहाँ देखिए। कोई भी कॉल में स्टॉप लॉस नहीं है, गजब का प्रॉफिट है। टाटा स्टील के टारगेट सक्सेसफुल, टाटा मोटर के टारगेट सक्सेसफुल, एचडीएफसी के टारगेट सक्सेसफुल, इंडिया बुल्स हाउसिंग के टारगेट सक्सेसफुल, मारुति के टारगेट सक्सेसफुल, इंडिया बुल्स हाउसिंग डबल बार लिख दिया मैंने, मारुति का अगेन टारगेट सक्सेसफुल। उसके अलावा और नीचे देखें तो एक्सिस बैंक के टारगेट सक्सेसफुल, एसबीआई का टारगेट सक्सेसफुल, इंडसइंड बैंक का टारगेट सक्सेसफुल, कोटक बैंक के टारगेट सक्सेसफुल, यानी कि 11 कॉल के टारगेट सक्सेसफुल, और एसबीआई का एक छोटा स्टॉप लॉस आया था तो मैंने एसबीआई में आपके ऑल टारगेट दूसरी कॉल देके ऑल टारगेट सक्सेसफुल करवा दिया। इसलिए बोल रहा हूँ आज किसी भी कॉल्स में कोई स्टॉप लॉस नहीं आया है। टुडे आज का रिकैप आपको मैं फटाफट दिखा देता हूँ। टाटा मोटर यहाँ पे देख सकते हैं, टाटा मोटर की ये आज की ये कॉल सुबह वाली कॉल, ये तो रिजेक्ट हो गई थी। उसके पश्चात फिर जो अब यहाँ पे स्टार्ट होता है यहाँ से, ये वाली कॉल भी आपको रिजेक्ट देखने को मिली थी। ये देख सकते हैं दोबारा से एक्सिस बैंक का मैंने दोबारा से दिया था, लेकिन एसबीआई का आपका पहला स्टॉप लॉस लग गया था, ये वाला एसबीआई का एक छोटा स्टॉप लॉस। दो कॉल रिजेक्ट, तीसरी कॉल में आपको स्टॉप लॉस देखने को मिला था। उसके पश्चात आपके फिर यहाँ पे बाहर आ जाती है, देख सकते हैं एसबीआई का सेल की कॉल मैंने दिया था, लेकिन आपको मैंने बराबर पे इसको कटवा दिया, क्योंकि आपको पता है कि ये डबल बोर्ड डबल सिग्नल दे रहा था। इसको आपको मैंने लिखा भी था कि इसको रिजेक्ट कर दीजिए, नहीं तो ये आपको स्टॉप लॉस खा बैठेगा, और वास्तव में आपका स्टॉप लॉस खा बैठता। उसके पश्चात यहाँ पे देख सकते हैं इंडिया बुल्स हाउसिंग के 115 से 120 के टारगेट सक्सेसफुल, और उसके अलावा यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन सा दी, इंडिया बुल्स का ये वाला कॉल रिजेक्ट हो गया, टाटा मोटर का देख सकते हैं टाटा मोटर टारगेट सक्सेसफुल, एचडीएफसी बैंक का टारगेट सक्सेसफुल, कोटक बैंक के टारगेट सक्सेसफुल, मारुति का देख सकते हैं 4800 से दिया था और 4900 का टारगेट प्लस रखा था, तो 4900 का टारगेट रखा था, तो गजब का यानी कि आपको देखे लगभग लगभग 150 पॉइंट के ऊपर का टारगेट देखने को मिला है। और उसके पश्चात फिर आप यहाँ पे दोबारा आ जाइए, टाटा स्टील का टारगेट सक्सेसफुल, फिर आ जाइए आप और नीचे चलिए एक्सिस बैंक के टारगेट देख सकते हैं, यहाँ पे एक्सिस बैंक का ये ओल्ड टारगेट सक्सेसफुल, फिर बूम बूम मारुति का मैंने अगेन दिया, फिर अगेन ओल्ड टारगेट के आसपास गया है, अगेन फिर से 150 पॉइंट का प्रॉफिट आपको देखने को मिला है, अगेन टारगेट सक्सेसफुल। और उसके अलावा आप आ जाइए बूम बूम एसबीआई आ जाइए, बूम बूम इंडसइंड बैंक आ जाइए, आज बूम बूम कॉल बहुत सारे कॉल बूम बूम दी गई है, तो देखें तो आज आपको वेरी 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 बिग प्रॉफिट आपको देखने को मिला है। और ये दोस्तों प्रॉफिट मिला मात्र आपको छोटी सी गाइडलाइंस में, और पूरे मंथ फ्री सेवा आपको दी जाती है, और ये गाइडलाइंस तो दोस्तों आप चुटकी बजाते एक कॉल में पूरी कर लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक छोटी सी गाइडलाइंस फॉलो करनी है और दोस्तों आप पूरे मंथ फ्री सेवा पा सकते हैं, और छोटी सी गाइडलाइंस में भी अभी 50% का भारी डिस्काउंट आपको दिया जा रहा है। चलिए दोस्तों, वीडियो ज़्यादा लंबा ना बनाने से पहले, तो जो भी सजन इंटरेस्टेड हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, और दोस्तों आप भी पा सकते हैं प्रॉफिटेबल कॉल्स। तो आपको मैं फटाफट यहाँ पे जो मैंने आपको वहाँ टाइम लिया, तो यहाँ पे आपको टाइम नहीं लूँगा, यहाँ पे मेरा पहले से इसको वॉच कर रखा है। इंडसइंड कल ध्यान देंगे दोस्तों, जैसे 450 का लेवल ब्रेक होगा तो इसमें एक तूफानी एक टारगेट देखने को मिल सकते हैं आपको। पहला टारगेट 460 का होगा, उसके पश्चात 470 का, 470 के बाद सीधा टारगेट 490 तक का भी टारगेट दिखा सकता है। ये दोस्तों इंडसइंड बैंक का 450 का लेवल ब्रेक करेगा तो ही माना जाएगा, ठीक है। उसके पश्चात एक्सिस बैंक के लेवल आपको मैं रख देता हूँ। एक्सिस बैंक दोस्तों अगर 392 के ऊपर, ध्यान देंगे दोस्तों 392 के ऊपर इसको 15 मिनट सस्टेन करना होगा, इसका 15 मिनट का है, उसका अलग ब्रेक करते भागेगा। अगर 392 के ऊपर ये 15 मिनट के 300 ब्रेक करने के बाद 15 मिनट तक उसके ऊपर सस्टेन करता तो सीधा ही दोस्तों ये 400 रुपये का टारगेट, उसके पश्चात 410 का और 420 का भी टारगेट आपको दिखा सकता है, लेकिन ध्यान देंगे 392 के ऊपर 15 मिनट ये सस्टेन होना चाहिए। भाई दोस्तों मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो समझ में आ गया होगा। भाई दोस्तों जय हिंद जय भारत।